प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही टैंक आधुनिक और पारंपरिक रूप से युद्ध का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। आज किसी भी देश की ताकत उसकी टैंकों से पता चलती है। किसी देश ने नए और आधुनिक टैंक बनाए हैं तो कुछ देशों ने अपने पुराने टैंकों को ही उन्नत किया है। किस देश का टैंक सबसे शक्तिशाली है, ये शुरू से ही बहस का विषय रहा है। ये कहना संभव नहीं होगा कि किस देश का टैंक सबसे खतरनाक है, क्योंकि एक समय अमेरिका के अभेद्य कहे जाने वाले पैटन टैंक को पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय सैनिकों ने ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद ही अमेरिका को पैटन टैंक की डिजाइन में बदलाव करना पड़ा था। आज मैं आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक टैंकों के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स एंड मिस्ट्री। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरकावा टैंक इजराइल। मेरकावा टैंक इजराइल का प्रमुख हथियार है, जिनके दम पर वो अरब देशों की गुंडई से निपटता रहा है। मेरवाका इस तरह से बना है कि वो रेगिस्तानी और मैदानी इलाकों के अलावा खाइयों वाले इलाकों में भी आसानी से हमला कर सकता है। ये टैंक लेबनान के साथ तमाम लड़ाइयों के अलावा अरब देशों से लड़ाई और गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों में भी अपना जौहर दिखा चुका है। लगभग 65 टन वजनी इस टैंक की मुख्य ताकत 120 mm की तोप है, जो किसी भी लक्ष्य को तहस नहस कर सकती है। इस टैंक पर एक साथ 6 लोग लड़ाई के मैदान में जा सकते हैं। टैंक में 1500 हॉर्स पावर का टर्बोजेट डीजल इंजन है, जो कम से कम 55 और अधिकतम 64 किमी की स्पीड से दुश्मन पर हमला बोलता है। इस टैंक के 4 संस्करण सामने आ चुके हैं। इसका बख्तर स्टील और सिरेमिक से बना है तथा इसका इंजन इसके अगले हिस्से में लगा है, जो क्रू मेंबर्स को एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है। इन टैंकों में बाद में लगाए गए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम में दुश्मनों की मिसाइलों को खत्म करने की क्षमता है। इस टैंक की कीमत $4.5 मिलियन है। MA अब्राम्स अमेरिका। अमेरिकन आर्मी के MA-A2 को दुनिया का सबसे विध्वंसक टैंक माना जाता है। इस टैंक ने इराक युद्ध, अफगान युद्ध तथा गल्फ युद्ध में अपनी ताकत दिखाई। महज 71 अब्राम्स टैंकों के दम पर अमेरिका ने इराकी टैंकों की बड़ी खेप को नष्ट कर दिया। इराक के बाद सोवियत रूस के टैंकों का एक बहुत बड़ा बेड़ा था, लेकिन वो अब्राम्स के सामने टिक न सके। इस टैंक के कई उन्नत संस्करण हैं, जो दुनिया के तमाम देश इस्तेमाल करते हैं, जिनमें इजिप्ट, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और इराक प्रमुख हैं। लगभग 60 टन वजनी इस टैंक की 105 mm तोपों के साथ ही M60 राइफल मुख्य ताकत है, जो सामने से दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। इस टैंक की खासियत इसकी तेजी भी है, जो 72 किमी की स्पीड से दुश्मन पर हमला करते हैं। आपको बता दूं कि अब्राम्स टैंक पैटन टैंक का ही अपग्रेडेड रूप है। ये वही टैंक था जिसको 1965 के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों से छीन लिया था। T-90 टैंक रूस। रूस के T-90 टैंक के मौजूदा वक्त में कई मॉडल हैं। इसका सस्ता मॉडल T-90S भारत में, जबकि T-90AM रूस की सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। 1230 हॉर्स पावर इंजन वाले इस टैंक में 125 mm की तोप है। साथ ही ये टैंक आधुनिक तकनीक से भी लैस है। इस टैंक में एक साथ 3 लोग सवार हो सकते हैं। ये टैंक 8 किलोमीटर दूर तक दिन व रात में मार करने में सक्षम है। साथ ही इसमें एक बार ईंधन भरकर 550 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। T-90 भीष्म। ये रशियन T-90 टैंक ही है, जिसे भारत के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। T-90 भीष्म साउथ एशिया के किसी भी सेना में मौजूद टैंकों में सबसे ज्यादा सक्षम टैंक है। 48,000 किलो के वजनी इस टैंक में 3 जवान बैठकर किसी भी मुश्किल एरिया में पहुंच सकते हैं। ये 5 मीटर तक गहरे पानी को भी पार कर दुश्मन पर वार कर सकता है। T-90 भीष्म में 125 mm की तोपें लगी हैं, जिसकी मारक दूरी 10 किलोमीटर तक है। इसे 1993 में भारतीय सेना में शामिल किया गया। इस टैंक का प्रयोग रात के अंधेरे में भी किया जा सकता है, क्योंकि यह अंधेरे में देखने की तकनीक से लैस होता है। इसमें खतरे को भांपने वाले सिग्नल भी मौजूद हैं, जो सैनिक को पहले ही आगाह कर देता है। लेपर्ड 2A6 जर्मनी। यह काफी पुराने टैंकों में शुमार है। इसने 1979 में अपनी सेवाएं देना शुरू की थी। इसके बाद लगातार इसे अपग्रेड किया जाता रहा। लेपर्ड 2A6 इसका आधुनिक मॉडल है। 63 टन के इस टैंक का बख्तर स्टील, सिरेमिक, टंगस्टन और प्लास्टिक के मिश्रण से बना है। इसका इंजन 1500 हॉर्स पावर का है, जो इसे 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम बनाता है। चैलेंजर 2 ब्रिटेन। ब्रिटिश सेना का अचूक हथियार होने के साथ साथ ये बेहद घातक टैंक साबित हुआ है। इसने बोस्निया, कोसोवो और इराक में अपनी सेवाएं दी है। इसके बख्तर के लिए बहुत ही उच्च स्तर के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया है, जो स्टील से दोगुनी ताकत का है। 69 टन के इस टैंक में 1200 हॉर्स पावर का इंजन है, जो एक बार मैदान में निकलने के बाद 56 किमी की अधिकतम स्पीड के साथ 450 किलोमीटर तक की लड़ाई लड़ सकता है। ब्रिटेन के अलावा सिर्फ ओमान इस टैंक का इस्तेमाल करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।